अगर आपको आर ए आर और रार फाइल ओपन नहीं कर पा रहे हैं मैकबुक में, अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप सही वीडियो पे आ चुके हैं. ओके, सो इन दिस वीडियो आई विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि जो ये रार फाइल है उसको कैसे अनजिप कर सकते हैं हम लोग. ओके, सो लेट स्टार्ट द वीडियो. वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल से आपको वैल्यू मिलती है, इस वीडियो से वैल्यू मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए. तो चलिए मिलते हैं मैक के स्क्रीन पे. राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राम. ये देखने वाले हैं आप, ये देख रहे हो ना, एक रार फाइल है. इसको आप किस तरीके से ओपन कर सकते हैं, मैं यहाँ पे देखो राइट क्लिक करता हूँ. यहाँ पे मुझे कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा है इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए या फिर अनकार करने के लिए. तो अब इस चीज़ को हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे मैं पूरा ऑप्शन देख लिया, मुझे नहीं दिखा. तो अगर ये प्रॉब्लम आपको आ रही तो चलो वीडियो आगे देखते हैं. सो नाउ बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आपको क्या करना है, ये वाले आइकन पर आ जाना है. यहाँ पर आने के बाद आपको ऐप स्टोर यहाँ पर दिख रहा होगा, ऐप स्टोर पर क्लिक कर लेना है. ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपको सर्च कर लेना है द अनआर्काइवर. ठीक है, सो यहाँ पे बहुत सारे ऐप्स वगैरह आ जाएंगे अनजिप करने के लिए ये वो. सो मेरा जो सजेशन होगा ना आपके लिए फर्स्ट वाला होगा, बिकॉज ये कम्प्लीटली फ्री है, इसके लिए आपको कुछ अलग से पेड नहीं करना पड़ता. हालांकि दूसरे ऑप्शन के भी साथ आप जा सकते हैं जो कि ऑब्वियसली विंडोज़ में होते हैं, बट आपको पता है कहीं ना कहीं वो पेड है. तो मैं ये फर्स्ट ऑप्शन के साथ जा रहा हूँ और मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ. ओके, नाउ अब जैसे ही ये इंस्टॉल हुआ, मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड लगा के इसको वो कर देता हूँ. ओके, सो ये अभी क्या कर रहा है, इंस्टॉलिंग कर रहा है. ओके, सो अभी मैं इसको प्रॉपर कर देता हूँ, वो डाल देता हूँ. ठीक है, अब जैसे ही ये वेरीफाइड होगा ये ऐप डाउनलोड हो जाएगा. ओके, सो अब क्या करता हूँ, अब जैसे ही ये डाउनलोड हो जा रहा है, डाउनलोड होना चालू हो गया. अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, अभी देखो. ओके, अब मैं ओपन पे क्लिक कर देता हूँ, मैं कट कर देता हूँ. और ये जो भी है जितने भी चेकिंग्स है उसको ऐसे ही रहने देना है, कुछ अलग से इसमें कुछ हम लोग को छेड़खानियाँ नहीं करनी है. ओके, सो ये इस तरीके से है, तो इसको इसी तरीके से रहने देना है हम लोग को, इसमें कोई भी हम लोग को वो छेड़खानी नहीं करनी. अब देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे द आर्काइवर ओपन हो गया, फाइल्स अच्छी सारी चीज़ें. अब मुझे क्या करना है, क्योंकि मेरा फाइल यहाँ पर है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्मार्ट डॉट रार. तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लूँगा और ये मेरी फाइल है, मैं इसको अनआर्काइव कर दूँगा. अब यहाँ पे डेस्कटॉप पे ही ऑटोमेटिकली वो एक फोल्डर बना के एक्सट्रैक्ट करके पूरी फाइलें मुझे प्रोवाइड कर देगा. ओके, एंड यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे ये चीज़ क्या होगी, एक्सट्रैक्ट होगी. ओके, नाउ यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक ऑटोमेटिकली उसी चीज़ का फोल्डर बन गया, यहाँ पे पूरी की पूरी फाइलें क्या हो गई आ गई मेरे पास. ओके, सो ये इस तरीके से था. अगर दोबारा आपको प्रॉपर से ये सब प्रोसेस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद भी आपको लगभग एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आ जाता है. राइट, एल्स आप जैसे मैंने प्रोसेस बताया प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं. सो आई बिलीव आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर ये वीडियो से वैल्यू मिली है तो चैनल को लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय, जय हिंद. हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो